हाँ भाई, इलेक्शन हो गए और रिजल्ट भी आ गए। कौन अपोजिशन में बैठेगा, कौन सरकार बनाएगा, ये भी डिसाइड हो जाएगा। यार, हम लोग क्यों इन चक्करों में इतना पड़ रहे हैं? मैं देख रहा था लिंक्डइन पे इतनी गंद फैला दी लोगों ने यार। लोग अभी तक अपनी ओपिनियन आपस में ही बात कर लेते थे, टेबल पे बात कर लेते थे। अब मैं तो करता था, मैं तुम्हें बताऊं, मैं हूं भाई कॉम्यूनल हूं भाई। मैं सेकुलर नहीं हूं, मैं तुम्हें सही बात बताऊं तो हकीकत है। पर कभी भी मैंने ना यार इस चीज को एक लिमिट के बाहर जाने नहीं दिया, चाहे वो सिलेक्शन प्रोसेस आ गई हो, इंटरव्यू आए हो कैंडिडेट्स के, या फिर कलीग्स रहे हो मेरे, वहां पे नहीं जाने दिया। वो मस्तीबाजी अपनी जगह है कि हाँ, ब्रीफ केस में लाश मिल गई तो मैं बोल देता था, अरे सरफराज देख रहे कौन है, कहाँ है, तो मजाक के अलावा। और वो बैठे भी रहते थे सरफराज अगल बगल में मेरे, वो सारे हंस देते थे, मैं भी हंस देता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं रहता था। पर फिर अब इतना वोकल हो गए सारे के सारे। अब ये मेरे को तो, अब ये बातें बोलते हुए अब मैं सोचता हूँ यार, पता चला यार लोग इससे ऑफेंड ना हो जाएं, ऐसी बात अब मैं कर दूं तो चीजें जिसके लिए आप लोगों ने करी, आपने वोट दिया, उस दिन खत्म हो गई थी। अब ये विषय वस्तु जो है बड़े लोगों के हाथ में चली गई है, वो इसे बेहतर रूप से चला लेंगे। हम लोगों के लिए शौक हो सकता है, बट जो ऊपर की टॉप लीडरशिप है हर जगह, अपोजिशन की या जो भी गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है, ये दोनों, इन दोनों की टॉप लीडरशिप को रिजल्ट पता थे। अब पता चल जाता है, अगर आप काम करते हो ना जनता के बीच में, कितने आ रहे हैं, आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। ये एग्जिट पोल वाली बात नहीं है, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, क्योंकि ऐसा यार मेरे को लगता है हम लोग अपना ही अहित कर रहे हैं इन चीजों में ज्यादा पढ़ पढ़ के। हम लोग इसमें इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो गाजा गाजा आ जाता है यार, वो तो फिर यहाँ पे इसराइल को सपोर्ट करने चले जाते हैं अपने कीबोर्ड वॉरियर। मैं भी चला जाता वैसे, कभी दो चार मैं भी लिख के आ जाता है यार कमेंट वमेंट। पर मुझे पता है कि इसे यहां तक ही रखना है, तो वो जो एक थ्रेशोल्ड है वो मैंने अपना सेट करा हुआ है, उससे ऊपर नहीं जाता मैं। पर लोग उससे भी आगे चले जाते हैं। अब जब तुम उधर जा रहे हो तो भाई इधर कौन काम करेगा? तुम तो गाजा चले गए, तुम्हारी आत्मा तो, तुम्हारा दिल मन गाजा और इसराइल में जाके बस गया। क्योंकि तो कोई गाजा गया है तो यहां से कोई इसराइल भी जाता है फिर, तो ये एक रिपरकशन हो जाता है कि अच्छा तू जा रहा है तो देख मैं भी। तो ऐसे प्रोवाइड करते लोग, न्यूटन का वो थर्ड लॉ तो लगा ही देते। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ के काउंटिंग कर रहे होते हैं, काउंटिंग सीरियसली वहां पे ना डेथ वाली, वो कि 25,000 मर गए, 26 मर गए, 26 325, ऐसी ऐसी 329 ऐसी फिगर आती हैं, बड़ी ना ऑड फिगर। अब उसके बाद लोग कहते हैं यार यहाँ तो ह्यूमन राइट वायोलेशन हो गया, वो कर रहा है यार। चाणक्य जी कह गए हैं भाई, अगर तुम सबसे वीक हो ना तो आप दास हो, आप दासता स्वीकार कर लो, दस्यु बन जाओ, गुलाम बन जाओ। अगर आप बराबरी की बात करते हो तो फिर आप दोस्त बन जाओ, और अगर आप दबा सकते हो किसी को, आप पावरफुल हो तो गुलाम बना लो। तो इसराइल की औकात है, वो गुलाम बना रहा है, वो कूट रहा भी और कूटेगा और मारेगा, वो करते रहो, ये बैनर वैनर चलाते रहो, पता नहीं हो क्या रहा है यहाँ पे, सब हैशटैग चला रहे हैं वो, अभी फिर डालेगा 4-6 बम। हालांकि ये इसराइल से भी कुछ हो हुआ तो रानी रहा, 8-9-10 महीने हो रहे हैं यार उधर, वो रशिया भी ये सारे बेकार हैं यार, नल्ले कंट्री हैं यार ये फालतू। अब हकीकत बात बताऊं यार, ये इंडिया होता तो कुछ अब तक 25 बार रिजल्ट फैच करके आ गया होता है इंडिया की तरफ से। इंडिया भले कम बोलता है पर भाई वो रिजल्ट दे देते हैं, वो ऐसा नहीं है मतलब कि हाँ लगे हुए हैं, वो टाइम पास कर रहे, आज इधर बम डाल दिए, उधर बम डाल दिए, एक बार में काम खत्म करो यार जो करना, और करते हो कौन रोक रहा तुम्हें, कोई रोकने थोड़ी आ रहा। अब वापस आ जाते हैं, भैया तुम यहां से चले क्यों गए थे यार, छोड़ के गाजा वाजा मत जाओ यार यहाँ, अपना देख लो आजू बाजू देख लो यार। आज आया था वैसे, आज कल आया था एयरटेल का इंटरनेट लगाने, तो वो कर रहा 400 पार 400 पार। अरे मैंने तू यहाँ दिहाड़ी करो ना, नाला पार नहीं होगा तेरे से रात को, मतलब घर तो कुछ कमा के नहीं गया, तो फिर घर पे लोग बैठे रहते भाई, ये गया एक कमाई करने वाला यार, वैसे नौकरी नहीं है यार मेरे पास। मोदी जी ने 40,000 की 60,000 ईएमआई कर दी मेरी, जय हो हर हर मोदी हो गया यार मेरा तो। और मैं तो कह रहा था 400 पार छोड़ो, 200 पार ना होने दो इसे मोदी को,
हकीकत में यार नौकरी वैसी नहीं है, ये ईएमआई भर भर के बढ़ रही है। अब वोट में मोदी जी कोई दे के आया तो वो अलग बात है, पर यहाँ पे एक वो शेर है ना, मेरा मुंसिफ, मुंसिफ कहते हैं जज को, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो यहाँ पे कातिल और मुंसिफ, जज और किलर एक ही है, कातिल और जज एक है, तो वो दोनों तरफ है। तो जिन्हें माइनॉरिटी को लग रहा था कि हाँ ये आ जाएगा, राहुल आ जाएगा तो ये कुछ बढ़िया बात करेगा, वो गलत फहमी में, इधर वाले भी गलत फहमी में। तो अब इस चीज को हम लोग यहीं पे ज्वार भाटे को दबा दें 10-15 दिन के लिए, उसके बाद चीजें सेटल हो जाएंगी। जो अस्थिरता की चल रही है विचारों की, और मतभेद हो रहे हैं, मनभेद हो रहे हैं, अटल बिहारी बोल के गए थे ये बात, और वो हो रहे हैं, होते जा रहे हैं। रोक दो भाइयों ने, ना मतभेद रखो फिलहाल, ना मनभेद रखो, चीजें आपके काम पे इम्पैक्ट डालेंगी, कोई बोले चाहे ना बोले। इसको बड़ा मुश्किल होता है इससे पार पाना, हकीकत बताऊं तो लोग रिजेक्ट कर दे रहे भाई कैंडिडेट्स सरनेम देख के। और अब इसका उपाय भी, इसके अलावा अब हम कर क्या सकते हैं भाई, अपने काम पे ही फोकस कर लेते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। एक और चीज ये निकल के आती है कि अब तुम्हारे को मिलेगा क्या बदले में, नौकरी चाहिए सरकारी, वो तुम वैसे भी ले लोगे अगर बस का होगा तो, वरना शायद वो चपरासी और क्लर्क वाली जॉब्स नई निकली हैं तो उनके लिए रोने रोए जा रहे हैं। अग्निवीर में तुमने भागना था क्या, तो वो मेरी समझ, मतलब लिंक्डइन वालों की बात कह रहा हूं मैं, वो बाकी अलग बात है, लिंक्डइन वालों ने थोड़ी भागना था अग्निवीर में, अग्निवीर वो रंग रूट बनना था, तो वो एक अलग बात है। हम लोगों का एक्चुअली, हम डायरेक्ट जो इम्पैक्ट हो रहा लाइफ पे वो नहीं हो रहा, और उसके बाद कोई रिजल्ट हम फैच नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे हम सारी की सारी मुसीबतें मोड़ ले लेंगे। रिलेशनशिप खराब, काम खराब, एक दूसरे को देखोगे तो फिर कमियां ढूंढोगे, उनके एक्शंस को आप उनके रिलीजियस प्रैक्टिस से जोड़ दोगे। ऐसा होता है, आ जाती है, तुम जैसा देवता पूजते हो वो करेक्टरिस्टिक आ जाती है, पर वो से आने दो यार, तुम अपने अपना पे फोकस रखो ना। कभी 4 बच्चे पाले नहीं, हाँ कभी 2-4 लोगों का सोसाइटी में भला कराने, कुत्तों को कुछ पाल लो, पर वो कोई काम करता नहीं क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं, बस यहाँ ऑनलाइन वॉरियर बनवा लो। और ये बहुत श्रूड और बहुत कनिंग लोग होते हैं जो ये सब चीजें करते हैं, हम लोगों को वो शोभा नहीं देती, पर अवॉइड करो। रिजल्ट आ गए हैं, काम खत्म हो गया है, मेरे घर का चूल्हा भाई मुझे ही जलाना है, बहुत हो गई बकवास, मैं फिर अब जाके जा 2-4 नौकरियों पे अप्लाई कर देता हूँ यार। ठीक है, चलो गुड नाइट।